नमस्कार दोस्तों, सभी लोग यही कहते हैं कि हंसना ज़रूरी होता है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही बात बोलते थे कि हंसना ज़रूरी होता है और हंसना चाहिए। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम भी अपना पूरा जीवन हंस हंस के बिताएं। तो हम आज आप सभी के लिए कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स लेके आए हैं जिनको आपको देख कर पूरा ही आनंद आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। माज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो, तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये हैं दुनिया के सबसे बड़े गायक फुर्सत अली खान। इनके गाने सुनकर अच्छे अच्छे गायक बेहोश हो गए। जरा आप भी सुन लीजिए। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजना, हग के गुजना, हाजी से ना, हाजी से गुजर जाना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ले भोसड़ी के बेटे बेटे ओ बेटे मौज कर दी, आ मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो, तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। भाइयों इस दुल्हन को देखिए, ये गजब की औरत है, क्योंकि ये तो अपनी ही शादी में गुटखा खा के बैठी है। चाहे ना माने तो इसका मुंह खुलवा के देख लें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आजकल के हरामी लौंडे ऐसा कैसे कर लेते हैं कि दूल्हा खड़ा है और उसी की दुल्हन के साथ किस तरह का डांस कर रहा है और कैसी रंगरलियां मना रहा है, चलिए देखिए। हो दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम। और दूल्हे को देखिए, क्या करे बेचारा, कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि आज उसी की शादी है। मुझे कैसे पता न चला, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अब इन प्रेमी बगुला और बगुली को देख लीजिए, किसने जिसने एक दूसरे को कितना प्यार किया होगा, आखिर वो उसने इतनी सारी चॉकलेट क्यों उसके ऊपर गिराई, आप खुद ही समझ सकते हैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। भाइयों अब इन्हें देखिए, आज तक मेरे ये नहीं समझ में आया कि ये शादी के खुशी के आंसू हैं या दुख के, क्योंकि वाइफ मिलने के बाद कुछ इस तरह के कांड भी हो जाते हैं, चलिए देखिए। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया था कि ये खुशी के आंसू हैं या दुख के। अब इन्हें देखिए, शादी हो गई है पर एक्स को जरूर याद करेंगी, क्योंकि पूरा प्यार तो उसी से मिला है। फिर क्यों तेरी याद होने मुझे जो तू मेरा रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अगर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं प्यार कर पा रहे हैं और एक दूसरे से शादी करने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी उनको लोग बड़े ही धूमधाम से जबरदस्ती उनकी शादी करवाते हैं और बाद में उनको ये देखना पड़ता है, चलिए देखें। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। दोस्तों
दोस्तों आपने शादियों में फोटो शूट तो देखा ही होगा, लोग तरह तरह से पोज देते हैं और कैमरामैन भी तरह तरह से पोज लेते हैं। पर इस शादी की कुछ अलग ही बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे कैमरामैन बार बार दुल्हन को टच कर रहा था। यह देख दूल्हे को बहुत तेज गुस्सा आ गया और दूल्हे ने कुछ ऐसा किया कि दुल्हन भी देख कर हंस हंस के पागल हो गई। चलिए देखिए। अब ये कैमरामैन अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी दुल्हन को हाथ लगाने के बारे में नहीं सोच सकता। अब आप इस शादी को देखिए, यहाँ दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्ष में कोई रस्म चल रही होती है और दुल्हन वाले दूल्हे पक्ष के ऊपर भारी पड़ रहे थे। यह देख दूल्हा दूल्हे से रहा नहीं गया और दूल्हे ने भी अपना पूरा बल दिखाना स्टार्ट कर दिया। यह देख कर दुल्हन भी बोल रही होगी, शादियां हो और गुस्से वाले दूल्हा दुल्हन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इन्हें देखिए। अब यहाँ देखिए, ये दूल्हे के दोस्त हैं, जो ना हो तो मजा नहीं आता। दूल्हे के दोस्त ऐसे होते हैं कि वो बिना छेड़छाड़ के रह नहीं पाते। बुरा लगा, जलवा है हमारा। अब आप इन महाशय को देखिए, इनके माँ बाप ने क्या खिला के इनको पैदा किया था कि ये एकदम सीधे हो गए। अबे अब तो झुक जाओ। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। शादियों में कुछ न कुछ गड़बड़ तो होती ही रहती है। अगर गड़बड़ ना हो, पर इस दूल्हे को देखे, इसके तो पैजामे ने ही गड़बड़ कर दी पूरी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शादियों में ढेरों रस्में होती हैं, पर ये क्या, इस दूल्हे को क्या हो गया? ये देखिए, इसने तो अपनी दुल्हन को मारना स्टार्ट कर दिया। अब इन समझदार दूल्हा दुल्हन को देखिए क्या बना के दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाए तो हमें भी बता दीजिएगा। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो सब कुछ तो आपने देख लिया, पर ये तगड़ा डांस नहीं देखा, बिना इसको देखे मत जाइएगा। देखा देखा? अरे नहीं देखा रे। तो दोस्तों अब हम लेते हैं आपसे विदा, पर हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।